हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप लोग? सो कौन कौन है हमारे साथ जुड़े हैं, जल्दी फटाफट कमेंट कीजिए. जल्दी से बताइए हमारे साथ कौन कौन जुड़े हैं, और आकर हमारे साथ अगर जो नहीं जुड़े हैं वो जल्द से जल्द जुड़ जाएं. ओके निखिल, हाय मानसी, हाउ आर यू? हाउ आर यू ऑल? हाउ आर यू ऑल डूइंग? और अगर आप लोगों ने शेयर नहीं किया है तो जाइए जल्दी से जाकर शेयर कीजिए. सो हेलो राजू सिंह. सो ओके, यहाँ है गौरव हमारे साथ हैं, आपका करण हमारे साथ है, गुड आफ्टरनून, हाय विधु राय. ओके विधु, हाय विधु, हाउ आर यू? हाय गौरव, हाय हाय, हाउ आर यू? सो आज बेसिकली मैं आपको स्टार्ट करने से पहले, क्विज स्टार्ट करने से पहले ये बता दूं कि आज हमारा क्विज जो होगा वो मिंटी पे होगा. तो आप लोग को कुछ नहीं करना है, अपने गूगल पे जाना है, टाइप करना है www.minty.com और वहाँ पे जाकर क्लिक करना है, और आपको जो पहला ऑप्शन पॉप अप होगा प्रेजेंटेशन का, वहाँ पर जाके आप लोगों को क्लिक करना है. और जो यहाँ पे रेफरल कोड दिया है मेरे पीछे 545295, वहाँ पर जाके क्लिक करना, मतलब टाइप करना है, आपको टाइप करना है ये रेफरल कोड 545295. ओके हेलो, हेलो यादव, हेलो कृष्णा यादव, आई एम ऑल्सो फाइन. ओके सो अगर आप लोगों को समझ आ गया है तो लेट मी नो कि हाँ यू ऑल अंडरस्टैंड दैट, सो दैट आई कैन स्टार्ट द क्विज. और आज हम लोग अगस्त का फर्स्ट वीक का क्वेश्चंस डील करेंगे. हाँ 545295. हेलो सादिक, हाउ आर यू? ओके सो कर लिया सबने? एक बारी सब बता दो, एक बारी सब बता दो कि सबने कर लिया है. फेसबुक पर जो भी हमारे साथ जुड़े हैं वो प्लीज हमारे साथ यूट्यूब पे आ जाए और यूट्यूब पे जुड़े आके. ओके मोहम्मद अंसारी, हेलो हाउ आर यू, गुड आफ्टरनून. सो सबने मिंटी डाला www.minty.com और डालना है रेफरल कोड 545295. चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना. अभी तो कोई आए नहीं है, कहाँ है आप लोग? यहाँ पे कुछ शो ही नहीं हो रहा है. ओके एक एक स्टूडेंट आए हैं हमारे साथ, दो मिले. ओके चलिए हमारे देखते हैं कौन कौन कैरेक्टर आते हैं. तीन, ओके तीन कैरेक्टर आ गए हमारे पास. जल्दी इसमें बहुत ज्यादा मजा आने वाला है आप लोगों को, आप लोग ज्वाइन कीजिए जल्दी जल्दी. ओके फोर, वेरी गुड, वी आर गेटिंग द प्लेयर्स. जल्दी 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 सारे लोग फेसबुक पर जो हमारे साथ जुड़े हैं प्लीज गो टू www.minty.com और वहां रेफरल कोड डालिए 545295. जल्दी, वेरी गुड, वी हैव द कैरेक्टर्स. ओके सो चलिए चलिए जल्दी कीजिए. जो लोग भी मिंटी पर नहीं आए हैं जल्दी से आइए. फेसबुक पर जो भी हमारे साथ जुड़े हैं वो प्लीज मिंटी पे आइए, आप लोग को बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, ट्रस्ट मी. आप लोग एक बार आइए और हमारे साथ जुड़िए. पांच लोग हैं अभी, पांच लोग आए हैं अभी, जल्दी सारे आएंगे तभी तो स्टार्ट होगा. जल्दी आइए. ओके सिक्स, चलिए दस होंगे यहाँ पे तो मैं क्विज स्टार्ट करूंगी. जल्दी आइए सारे. फेसबुक पर हमारे साथ जो हैं और जो भी हमारे साथ यूट्यूब पे हैं वो लोग. ओके वी हैव एट. जल्दी जल्दी, कहाँ है भाई आप लोग फेसबुक वालों, आ जाओ जल्दी से. ओके ओके वी हैव टेन. ओके टेन मेंबर आ गए हमारे साथ, जैसे कि मैंने बोला था वी हैव टेन मेंबर्स एंड दीज आर द कैरेक्टर्स
यहाँ पे हमारे साथ एट है, इमोजी है, यहाँ पर बहुत सारे कैरेक्टर्स है, दीज आर द कैरेक्टर, आप लोग का ये कैरेक्टर है और आप लोग का नाम यहाँ पे शो होगा। आई एम गोइंग टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग, देखते हैं कि क्या है, ठीक है। और जल्दी से, जैसे कि आप लोगों ने केबीसी देखा होगा फास्टेस्ट फिंगर्स फर्स्ट, तो आपका जवाब जितना जल्दी आएगा आपका नाम यहाँ पॉपअप होगा पहले नंबर पर, पहले नंबर पर आपका नाम पॉपअप होगा और आपको एक पॉइंट मिलेगा, सो दैट आप आगे बढ़ते जाओगे। आपका मोटिव यही होना चाहिए कि आप फर्स्ट नंबर पे रहो और जो लास्ट में जीतेगा उसका नाम बड़े से स्क्रीन पे आएगा, सो दैट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट और वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू दैट डू विद दैट। सो शैल वी स्टार्ट, स्टार्ट करें, चलिए। तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पे जा रहा है, चलिए। अमर सिंह हैज पास्ड अवे एट 64 इन सिंगापुर, ही वाज ए, अमर सिंह का सिंगापुर में 64वें साल की उम्र में निधन हो गया, वो कौन, वो एक थे, क्या थे, जल्दी जवाब दीजिए। पॉलिटिशियन थे, राइटर थे, जर्नलिस्ट थे, एनवायरमेंटलिस्ट थे या क्लासिकल सिंगर थे, जल्दी फास्ट। ए बी सी डी ई, 10 सेकेंड है, 9, 8, 7, जल्दी जल्दी जल्दी, आपके पास टाइम नहीं है, बी फास्ट बी फास्ट, यहां पर जवाब नहीं देना है आप लोग को। आशुतोष, आशुतोष मिंटी पे जाइए, www.minty.com और यहाँ पे रेफरल कोड है 545295, उसको आप वहां पर डालिए और आपको मिंटी खुल जाएगा। ओके, तो ए, 6 लोगों ने ए जवाब दिया है, बाकी नो बी, एक ने बी दिया है और किसी ने सी दिया है, देखते हैं कौन सबसे ज्यादा ऊपर है, टॉप लिस्ट पे है। चलिए देखें, देखें फेसबुक पर जल्दी से आप लोग आइए, मिंटी पर आप लोग जितने भी लोग फेसबुक पर हमें देख रहे हैं मिंटी पर आइए, टाइप कीजिए अपने गूगल पे www.minty.com और रेफल कोड लिखिए 545295, यहाँ लिखा हुआ है रेफल कोड, चलिए जल्दी। और यहाँ पर आप लोगों को जवाब नहीं देना है, संजीत, आशुतोष, अनिल, अनिल, अजय, आप लोग यहाँ पर जवाब मत दीजिए, सारे लोग मिंटी पे आइए फास्ट जल्दी। संजीव यहाँ पर जवाब नहीं देना है, चंदन यहाँ पर जवाब नहीं देना है, यू गाइस हैव टू कम ऑन मिंटी, मिंटी पे आइए, ज्यादा मजा आएगा। चलिए देखते हैं कौन है हमारे पहले लिस्ट पे। सो ओके मुकेश, ओके 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 ओके, चलिए तो मुकेश जो हमारे हैं पहले नंबर पे हैं, हर्ष गुलिया सेकंड है, श्वेता है हमारी थर्ड पे, निक्यूलियोलस है हमारे फोर्थ पे, एम्ब्रियल है हमारी फिफ्थ पे और एनोनोमस है हमारे फिफ्थ पे, एनोनोमस शाणे बन रहे हो तुम बेटा, चलो देखते हैं आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ और जल्दी से आप लोग आइए मिंटी पर, जल्दी जल्दी, जितने भी लोग फेसबुक पर हैं प्लीज आप लोग आइए और आकर हमारे साथ जुड़िए और स्कोर कीजिए और आगे बढ़िए। जल्दी टाइप कीजिए अपने गूगल पर www.minty.com और रेफरल कोड यूज कीजिए 545295, यहाँ दिया हुआ है www.minty.com, यूज द रेफरल कोड 545295। चलिए आगे बढ़े हम लोग अगले सवाल की तरफ, अगले सवाल की तरफ चलिए। वेरी गुड, हर्ष जो है वो दूसरे नंबर पे, वेरी गुड। आप लोग चाहे तो अपनी स्क्रीन को स्प्लिट भी कर सकते हैं, स्प्लिट कर कर आप लोग देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन 2 of 35, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ, सारे लोग रेडी रहिए। अगला सवाल, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ सिलेक्शन कमिटी constituted by Ministry of Youth Affairs and Sports for selecting awardees for National Sport Award of 2020, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020
2020 के लिए पुरस्कार चयन के लिए युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा गठित चयन समिति के अध्यक्ष कौन हैं? आपके ऑप्शंस हैं संजीव रंजन, वी मुरलीधरन, मुकुंद नंदन शर्मा, सिद्धांत दास या अनिल दावे। चलिए टाइम अप हो गया है। ओके, सो सी इज द राइट आंसर। 5 लोगों ने सी दिया है और ए दिया है 5-6 लोगों ने, 5 लोगों ने ओके डी ई ओके 5 लोगों का सवाल सही है। टाइम अप हो गया है। कैसे जाना है संजीव? आपको कुछ नहीं करना है, आप लोगों को गूगल आपके पास है, गूगल पे जाइए www.minty.com, फिर आपको ये पहला पॉपअप होगा मिंटी प्रेजेंटेशन का पहला ऑप्शन, यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन दैट। आपको बस उस पर क्लिक करना है और आपको रेफरल कोड डालना है 545295, वहां पे कोड का ऑप्शन आएगा, फिर आप लोग वहां पर आराम से आपको दिख जाएगा। चलिए चलिए यहां पर आप लोग जवाब मत दीजिए, आप लोग मिंटी पे जाइए। चलिए देखते हैं किसका सही जवाब है। ओके ओके मुकेश, ओ ओ ओ ओके सो ओहो एनोनोमस आगे बढ़ते हुए एनोनोमस पहुंच गए हैं पहले पोजीशन पे, दूसरे पोजीशन पे है हर्ष, तीसरे पोजीशन पे है मुकेश, फिर है राहुल, फिर है श्वेता, रफी, फिर है शहबाज, निखिल। कोरोना, वाई कोरोना मैन, कोरोना नहीं प्लीज, कोरोना नहीं। मनु, ओके सो आप लोग यहाँ पर टॉप 10 यहाँ पर शो कर रहा है, तो सबसे पहले पोजीशन पे है एनोनोमस। तो आगे बढ़े हम लोग, सारे लोग आ जाए हमारे साथ मिंटी पर जुड़े आकर, बहुत ही ज्यादा मजा आएगा, मैं जेन्यूनली बोल रही हूँ, बहुत ज्यादा मजा आएगा। आप लोग फेसबुक पर जो भी हमारे साथ है, 339 पीपल हमें फेसबुक पे देख रहे हैं, प्लीज गाइज प्लीज आप लोग गूगल क्रोम खोलिए, गूगल खोलिए, उस पर टाइप कीजिए www.minty.com, उसके बाद रेफरल कोड डालिए, हमें ज्वाइन कीजिए, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आने वाला है, बी रेडी। विच फॉर्मर आरबीआई गवर्नर हैज बीन अपॉइंटेड एज एडिशनल एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी LTD? आरबीआई ने किस पूर्व गवर्नर को ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड के अतिरिक्त और स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है उर्जित पटेल, रघुराम रंजन, सी रघुन रंजन और बीमल जलन या वी वेणुगोपाल रेड्डी। आपके ऑप्शंस हैं ए बी सी डी ई, जल्दी जवाब दीजिए। 19, 18, 17 सो 10 लोगों ने जवाब दिया है ए, 10 लोगों ने जवाब दिया है ए, और 7 लोगों ने बी, 4 लोगों ने सी और 6 लोगों ने डी। तो जल्दी से जो भी हमारे साथ जुड़े हैं फेसबुक पर, वो आइए फेसबुक पर, जो भी हमारे साथ जुड़े हैं वो प्लीज अपने गूगल पे जाइए www.minty.com, डालिए रेफरल कोड, डालिए 545295, स्क्रीन पर लिखा हुआ है सब कुछ। ओके देखते हैं कौन है हमारे, अब कौन आगे बढ़ा और कौन पीछे रह गया। चलिए ओके ओके एनोनोमस जो है वो अभी भी अपना पोजीशन बरकरार रखते हुए, मुकेश आ गए हैं सेकंड पोजीशन पे और हर्ष आ गए हैं थर्ड पोजीशन पे, राहुल हैं, राहुल का धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है परफॉर्मेंस, वेरी गुड राहुल। राहुल पहुंच गए हैं फोर्थ पे, निखिल आ गए हैं फिफ्थ, रफी इज सिक्स, आशु इज सेवेंथ एंड प्रशांत साहू इज ऑन 9th, एंड जितेंद्र कुमार इज ऑन 9th, एंड गिरिराज जो कि हैं 782 पॉइंट से। चलिए
जल्दी जल्दी, सारे लोग मिंटी पर जुड़े हमारे साथ, सारे लोग हमारे साथ मिंटी पर जुड़े। चलिए, आपको अनिल दे, आपको पीडीएफ मिल जाएगा तैयारी शाला पे, तैयारी शाला पे पीडीएफ मिल जाएगा। यहाँ पर ए बी सी डी करके आएगा, आपको तैयारी शाला पे पीडीएफ मिल जाएंगे। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर जा रहा है, सब लोग तैयार रहिए। सारे लोग फेसबुक पर हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज आप लोग जाइए www.minty.com, वहां पर 5452 95 डालिए और हमारे साथ मिंटी पर जुड़ जाइए। चलिए, यहां पर आपको दिख रहा है, नेम द डिफेंस मिनिस्टर हु आई एम डिफेंस मिनिस्टर ऑफ आइवरी कोस्ट हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर। आइवरी कोस्ट के रक्षा मंत्री का नाम बताइए जिन्हें नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। जैन कैस्टिक्स, एंड्रेस डूडा, एलिस, ओके ऑप्शंस आर गॉन, सो डी इज द राइट आंसर। डी हमीद बकायोका, हमीद बकायोको इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर, और 8 लोगों ने डी दिया है और बाकी के लोगों ने बी दिया है, आई डोंट नो व्हाई। और देखते हैं कौन अभी सही, कौन पहुंचा है सबसे आगे। चलिए देखते हैं कौन पहुंचा है सबसे आगे। ओके सो एनोनिमस अभी भी अपना पोजीशन बरकरार करते हुए। ओके, रफी, रफी ने बहुत ही रफ्तार रफ्तार ये किया है, अपने आप को स्पीड बढ़ाई है और अपनी, और वो थर्ड पोजीशन पे पहुंच गए हैं। राहुल पहुंच गए हैं 5th पोजीशन पे, शहबाज आलम पहुंच गए हैं 8th पोजीशन पे, अनोनोमस, मुकेश, रफी, हर्ष, राहुल, रेनू, लाला जी। ओके, जितने भी लोग हैं मिंटी पर जुड़िए, आकर जाइए, कोड डालिए, अपना गूगल क्रोम खोलिए, टाइप कीजिए www.minty.com और रेफरल कोड डालिए 5452 95, उसके बाद आप लोग जुड़ जाइएगा। प्लीज रघुवेंद्र पांडे, शीनू, सब लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल, नेम द कंपनी हु सप्रेस्ड सऊदी अरामको टू बिकम वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी। उस कंपनी का नाम बताइए जो सऊदी अरामको को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। आपके ऑप्शंस हैं गूगल, फेसबुक, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल। सऊदी अरामको आपको पता होगा एक ऑयल कंपनी है, ऑयल की कंपनी है, ये सऊदी में है। तो ये सऊदी अरामको कंपनी जो है अभी पीछे हो गई है, और किसने इसको पछाड़ा है, जल्दी जवाब दीजिए। फेसबुक, गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट या एप्पल, जल्दी। और जितने भी लोग हमारे साथ फेसबुक पर हैं, आप लोग प्लीज मिंटी पर आके जुड़िए। शशि, शशि, नगेंद्र, भूषण कुमार, बिधेन रॉय, प्लीज। ओके, ई, सिर्फ 4 लोगों ने ई दिया है, सिर्फ 4 लोगों ने ई दिया है, और 11 लोगों ने दिया है सी, 11 लोगों ने सी दिया है। ओके, देखते हैं कौन पहुंचा है सही इस पे, फर्स्ट पोजीशन पे कौन है, जल्दी से। ओके, एनोनोमस, मुकेश, रफी, आशु को मिले हैं पॉइंट्स और प्रशांत को मिले हैं पॉइंट्स। ओके, वेरी गुड आशु, आशु अपना स्पीड बढ़ाते हुए वो पहुंच गए हैं 2nd पोजीशन पे, और हर्ष आ गए हैं 4th पे, रफी हैं 3rd पे, और एनोनोमस अभी भी है 1st पोजीशन पे। अगर आपको एनोनोमस को पीछे छोड़ना है तो एनोनोमस के इतना पॉइंट आपको रीगेन करना होगा, बिना गलत किए आपको सही जवाब देना होगा, तब आपको इतने पॉइंट्स एड अप होंगे और आप 1st पोजीशन पे जाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल,
अगला सवाल आपके स्क्रीन पे आ रहा है, विच कंट्री हैज स्टार्टेड अप अरब वर्ल्ड फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट? किस देश ने अरब दुनिया का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू किया है? आपके ऑप्शंस हैं इराक, कतर, यूएई, लेबनान, सऊदी अरेबिया। व्हाट इज द राइट आंसर? उपासना भारती, हेलो, आप लोग प्लीज जाइए मिंटी पर, जुड़िए हमारे साथ, मिंटी पर जुड़िए हमारे साथ। अपने गूगल पे जाइए, गूगल पे टाइप कीजिए www.minty.com, रेफरल कोड डालिए 545295। ओके, 13 लोगों ने सही जवाब दिया है, 13 लोगों ने सही जवाब दिया है, और ए दिया है 9 लोगों ने। ओके, 13 लोगों ने सही जवाब दिया है और एक ने, किसी ने दिया है डी। चलिए देखते हैं किसका कौन अभी पहले पोजीशन पे है। चलिए ओके, शहबाज आलम अपनी स्पीड बढ़ाते हुए, एनानोमस अभी भी अपने फर्स्ट पोजीशन को बरकरार करते हुए, आशु इज ऑन द सेकंड पोजीशन, मुकेश ऑन द थर्ड, रफी, फिर हर्ष गुलिया, शहबाज आलम, राहुल, श्वेता, जितेंद्र कुमार और प्रशांत साहू। जल्दी जल्दी आप लोग आइए भाई, आप लोग का खून कब खोलेगा, कब आप लोग आइएगा फर्स्ट पोजीशन पे, जल्दी जितने भी लोग हैं सही सही जवाब दीजिए और अपनी पोजीशन बनाए टॉप 10 में, टॉप 10 में पोजीशन बनाए। रंजन कुमार राज, मैं पढ़ा नहीं रही हूँ, मैं क्विज करा रही हूँ, जो आप पढ़कर आते हो उससे सवाल करूंगी और आप फिर क्विज कराऊंगी। नहीं, प्रश्न का सवाल आपको मिंटी पर देना है, फेसबुक पर नहीं देना है। चलिए ओके, आई विल रीड द कमेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर, अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। जल्दी से जवाब देना है आप लोगों को। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैज लॉन्च ए प्रोग्राम अंडर ग्राम उद्योग विकास योजना फॉर आर्टिसंस इन्वॉल्व्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अगरबत्ती? निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने अगरबत्ती निर्माण में शामिल कारीगरों के लिए अयोध्या ग्राम उद्योग विकास योजना के तहत एक कार्यक्रम शुरू किया है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ए बी सी डी या ई? जल्दी 9876, टाइम जा रहा है, जल्दी जवाब दीजिए। शिवम कुमार, रघुवेंद्र पांडे, आपको यहाँ जवाब नहीं देना है, आपको मिंटी पर देना है जवाब। अक्षय जैन, मिंटी पर। ओके, 18 लोगों ने सही जवाब दिया है, वेरी गुड, 18 लोगों ने सही जवाब दिया है, वेरी गुड। चलिए यहाँ पर जवाब नहीं देना है। सागर, आपको यहाँ पर जवाब नहीं देना है, आपको मिंटी पर जाना है, टाइप करना है www.minty.com, फिर वहां पर आपको एक रेफर पहला जो ऑप्शन आएगा मिंटी प्रेजेंटेशन, वहां पर आपको क्लिक करना है, फिर आपको स्क्रीन पे पॉपअप होगा, फिर आपको एक रेफर कोड डालने को आएगा, तो वहां पर आपको डालना है 54, यहाँ पर लिखा हुआ है 545295, 545295। चलिए यहाँ है, यहाँ पर लिखा हुआ है 545295, सुधीर कुमार। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं कौन है। ओके, रफी बहुत ही आगे बढ़ते हुए, रफी जो है, श्वेता को भी पॉइंट मिला है, प्रशांत, ओके, चलिए तो रफी पहुंच गए हैं थर्ड नंबर पर, शहबाज पहुंच गए फिफ्थ, मुकेश है फोर्थ पे, हर्ष गुलिया पहुंच गए हैं एथ पोजीशन पे। ओके, चलिए जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए मिंटी पर।
मिंटी पर आप लोग जाइएगा, और आप लोग को मिंटी पर आपने जवाब देने हैं। आप लोग एक बार जाके देखो तो कि आखिर है क्या। मिंटी इज लाइक ए सॉफ्टवेयर, आपको वहां पर जाना है, वहां पर मिंटी पे अपना रेफरल कोड डालना है, फिर आपको वहीं पर जवाब देना है। केबीसी देखा होगा आप लोगों ने, केबीसी में क्या होता है, फास्टेस्ट फिंगर्स फर्स्ट, जिसने पहले जवाब दिया उसे पहला मौका मिल जाएगा, वैसे ही है। तो आपको इस भीड़ में भागना है, और भीड़ में यहीं पर आप लोग की तैयारी शुरू होगी। बहुत सारे बच्चे रहेंगे, अब जो आंसर जवाब सबको आता है, लेकिन देखना है सबसे फास्ट कौन है। तो यहीं पर आपको सिखाया जा रहा है तैयारी शाला के तरफ से कि आप कैसे फास्ट हो सकते हैं और कैसे आप अपने जवाब पहले दीजिएगा। तो ये अभी से सिखाया जा रहा है आप लोगों को। तो आप लोग प्लीज मिंटी पे जाइए, टाइप कीजिए गूगल पर www.minty.com और रेफरल कोड यूज कीजिए 545295। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। इन विच स्टेट एक मास्क अनेक जिंदगी कैंपेन हैज बीन लॉन्च्ड। किस राज्य में एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान शुरू किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश या हरियाणा। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। राहुल कुमार यहाँ पर जवाब नहीं देना है आप लोगों को, आप लोगों को मिंटी पर जवाब देना है। चलिए, 7 6 5 4 3 2 1, टाइम अप होने वाला। अखिल विजय, यू डोंट हैव टू आंसर हियर, यहाँ पर जवाब नहीं देना है। वीपी सिंह, यहाँ पर जवाब नहीं देना है। सिर्फ 10 लोगों का सही जवाब है, सिर्फ और सिर्फ 10 लोगों का सही जवाब है, और 14 लोगों ने ए दिया है, 14 लोगों ने ए दिया है। ओके, देखते हैं कौन है सबसे आगे। चलिए, एक नया नाम दिखा है हमें, निखिल दिखा है। ओके, मुकेश फिर पीछे छोड़ते हुए रफी को, और एनोनोमस, जो कि एनोनोमस है, किसी को नहीं पता कौन है, लेकिन वो भी अभी तक पहले पोजीशन पे पहुंचे हुए हैं, अभी तक वो पहले पोजीशन पे है, आपको पछाड़ना है उन्हें। जल्दी कीजिए और सही जवाब दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। मिंटी, आपको बस गूगल पे जाना है, गूगल आपके फोन में होगा, आपके फोन में गूगल होगा, गूगल पर आपको जाना है, गूगल पे लाके लिखना है www.minty.com, और उसके बाद आपको पहला ऑप्शन आएगा प्रेजेंटेशन मिंटी, उस पर क्लिक कर रहा है, पहले इस पे आपको ये आएगा, और उस पे डालना है आपको रेफरल कोड 545295। आप लोगों को दिख रहा है स्क्रीन पर कुछ? 1 मिनट, हाँ 1 मिनट। ए, 4 लोगों ने सही जवाब दिया है। ए, 1 मिनट। मिंटी पे जाइए, आप लोग को सवाल का जवाब दिखेगा, सवाल दिखेंगे। चलिए देखते हैं किन्होंने सही जवाब दिया है। मिंटी पर आप लोग जाइएगा तो मिंटी पर दिखेंगे आप लोगों को सवाल। यहां पर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था, आप लोग मिंटी पे जाइए। सो
चलिए, तो ये एनोनोमस अभी भी अपने पोजीशन पे है और आशु पहुंच गए हैं सेकंड पोजीशन पे, मुकेश है थर्ड पे, रफी, श्वेता, एमडी शहबाज आलम, निखिल, प्रशांत साहू, हर्ष और जितेंद्र कुमार। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। मिंटी पे भी नहीं आता है क्वेश्चन, वेट हम लोग की टीम चेक कर रही है, एक मिनट आप लोग देख लेते हो। मैं अब आ रहे सवाल, ओके। विच स्पेस एजेंसी एस्ट्रोनॉट्स बॉब बेंकेन हैंड डग हर्ले रिटर्न सेफली फ्रॉम आईएसएस आफ्टर सक्सेसफुल डेमो टू मिशन। सफल डेमो टू मिशन के बाद किस अंतरिक्ष एजेंसी के अंतरिक्ष यात्री बॉब बेकिन और डॉग हर्ले आईएसएस से सुरक्षित वापस आए हैं? इसरो, नासा, जैक्सा, रोस्कोमोस या सीएनसीए, ए बी सी डी या ई। सो 22 लोगों ने जवाब दिया है बी, 22 लोगों ने जवाब दिया है बी, देखते हैं कौन है वो। ओके, नवीन यादव एक नए आए हैं, इसमें जुड़े हैं टॉप 10 में। नवीन यादव कॉन्ग्रेचुलेशन, आप टॉप 10 में आए हैं। और शहबाज आलम पहुंच गए हैं फोर्थ पोजीशन पे, एनोनोमस अभी भी पहले पोजीशन पे, आशु अभी भी सेकंड पे, मुकेश थर्ड, निखिल, रफी, श्वेता, प्रशांत, नवीन यादव और लाला जी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की ओर। अब हम लोग थोड़ा थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि ये पहला टाइम था, पहली बार मैं मिंटी पर करवा रही थी आप लोगों से, इसलिए मैं अब थोड़ा फास्ट चलूंगी। क्वेश्चन पढ़िए, जवाब दीजिए। Who among the following has won the British Grand Prix 2020? निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीता है? सेबेस्टियन वेटल, चार्ल्स लेक्लेयर, मैक्स वर्स्टैपेन, वैलेंट्री बोटास, लुइस हैमिल्टन। सेबेस्टियन वेटल, चार्ल्स लेक्लेयर, मैक्स वर्स्टैपेन, वैलेंट्री बोटास, लुइस हैमिल्टन। जल्दी मिंटी पर जवाब देना है, रवि कुमार मिंटी पर जवाब देना है आपको, शौर्य यादव मिंटी पर आइए। ओके, तो 24 लोगों ने सही जवाब दिया है, 24 लोगों ने दिया है ई, देखते हैं कौन पहुंचे हैं सही पोजीशन पे, मतलब पहले पोजीशन पे। ओके, कृष्ण कुमार गौतम हमारे साथ आए हैं टॉप 10 पे, कॉन्ग्रेचुलेशन कृष्ण कुमार गौतम, आप टॉप 10 में हैं और कृष्ण कुमार गौतम पहुंच गए हैं एथ पोजीशन पे, वेरी गुड। और एनोनोमस अभी भी फर्स्ट पोजीशन पे, आशु, मुकेश, निखिल, श्वेता पहुंच गई हैं हमारी फिफ्थ पोजीशन पे, रफी आ गए हैं नीचे, रफी आप नीचे आ रहे हैं, आप कोशिश कीजिए आप ऊपर जाइए। चलिए देखते हैं अगले सवाल को और बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल थोड़ा फास्ट करेंगे हम लोग क्योंकि क्वेश्चन 30 हैं तो टाइम लगेगा, आप लोग प्लीज यहाँ पर ये मत होइएगा, वो लास्ट में जो जीतेगा उसका आएगा भी। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक 2020? विश्व स्तनपान सप्ताह 2020 के लिए विषय क्या था? आपके ऑप्शंस हैं एम्पावर पेरेंट्स, इनेबल ब्रेस्ट फीडिंग फाउंडेशन ऑफ लाइफ, सस्टेनिंग ब्रेस्ट फीडिंग टूगेदर, ब्रेस्ट फीडिंग ए की सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर ए हेल्थियर प्लैनेट। ऑप्शन ए, बी, सी, डी या ई, व्हाट इज द राइट आंसर? जल्दी जवाब दीजिए। 6, 5, 4, 3, 2, 1, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। चलिए, तो 12 लोगों ने जवाब दिया है ई, 12 लोगों ने जवाब दिया है ई, देखते हैं कौन है। लाल जी आगे बढ़ते हुए, लाला जी आगे बढ़ते हुए। चलिए श्वेता और आशु, श्वेता पहुंच गई है थर्ड, ओके वेरी गुड श्वेता। चलिए मुकेश है सेकंड पे, चलिए थर्ड पे आगे बढ़ते हम लोग अपने अगले सवाल की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
अगला सवाल आपके स्क्रीन पर जाएगा। नेमदास साहित्य अकादमी अवार्डी तमिल राइटर हु पास्ड अवे रिसेंटली। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित तमिल लेखक का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया। आपके ऑप्शन है परवेज जमसीज के रघुनाथ, सो सा कंदसामी, विश्वा बंधु गुप्ता या लक्ष्मण सी लेहल। जल्दी जवाब दीजिए। ऑप्शन ए बी सी डी ई। परवेज जमास जी के रघुनाथ, सा कंदसामी या विश्वा बंधु गुप्ता या लक्ष्मण सिंह ले। तो 12 लोगों ने सही जवाब दिया है। 12 लोगों ने सही जवाब दिया है। देखते हैं कौन है वो 12 लोग। ओके, किसी ने अपना नाम ही रख लिया है। 545295। थैंक यू जिन्होंने भी रखा है। तो कोड हमारा यही है 545295। और याद रहे कोड हमारा डेली चेंज होता रहेगा। ओके, एनोनोमस अभी भी पहले पोजीशन पे, आशु सेकंड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की ओर। निम्नलिखित में से किसने वस्तुत डीडी असम चैनल लॉन्च किया है? पीयूष गोयल, वेंकैया नायडू, रमेश पोखरियाल, निशांक प्रकाश जावेडकर या नरेंद्र मोदी। आपके ऑप्शंस हैं पीयूष गोयल, वेंकैया नायडू, रमेश पोखरियाल, निशांक या प्रकाश जावेडकर या नरेंद्र मोदी। व्हाट इज द राइट आंसर? ए बी सी डी या ई। जल्दी जवाब दीजिए जल्दी। आशीष शुक्ला, आपको यहां जवाब नहीं देना है। चलिए टाइम अप। 14 लोगों ने सही जवाब दिया है। डी डी प्रकाश जावेडकर इज द राइट आंसर। तो डी सही सवाल था। देखते हैं कौन है। संजीव कुमार नए जुड़े हैं हमारे साथ। संजीव कुमार आपका स्वागत है। आप टॉप 10 में आ गए हैं संजीव, और संजीव डायरेक्ट आ गए हैं 8th पोजीशन पे। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की ओर। चेयरमैन ऑफ द पैनल सेटअप बाय द IFSCA टू फॉर्मुलेट प्लान टू डेवलप इंटरनेशनल रिटेल बिजनेस। अंतरराष्ट्रीय खुदरा व्यापार के विकसित करने की योजना तैयार करने के लिए IFSCA द्वारा गठित पैनल के अध्यक्ष कौन हैं? आपके ऑप्शंस हैं KS रेड्डी, राहुल बजाज, प्रदीप शाह, अभय शुक्ला, रघुराम रंजन। व्हाट इज द राइट आंसर? जल्दी बताइए। ए बी सी डी या ई। हमारे साथ फेसबुक पे जितने भी लोग जुड़े हैं वो मिंटी पर आइए जल्द से जल्द। चलिए तो 11 लोगों ने दिया है सी। 11 लोगों ने दिया है सी। ओके, संजीव ने अपनी रफ्तार बढ़ाई है और वो पहुंच गए हैं। अभी भी वो हैं अपने 8th पोजीशन पे। लाल जी पहुंच गए हैं 4th पोजीशन पे। एनोनोमस अभी भी अपना पॉइंट बरकरार करते हुए 11,237 अभी भी पहले पोजीशन पे। अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। Which state government has tied up with ITC, HUL and PNG for women's economic empowerment? किस राज्य सरकार ने महिला के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए ITC, HUL और PNG के साथ समझौता किया है? आपके ऑप्शंस हैं मिजोरम, मेघालय, आंध्र प्रदेश, असम या हरियाणा। जल्दी ए बी सी डी या ई।
जल्दी, यहाँ आपको जवाब नहीं देना है अंकुश पवार, ज्योति बासु, आपको यहाँ जवाब नहीं देना है, मिंटी पर जाइए आप लोग। चलिए, 13 लोगों ने दिया है जवाब सी, सी दिया है आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश सही है। देखते हैं कौन है आगे। ओके, विकास एक नए जुड़े हैं हमारे साथ, विकास आ गए हैं टॉप 10 में, निखिल पहुंच गए हैं 5वें पोजीशन पे, चलिए हर्ष पहुंच गए हैं 10वें पोजीशन पे। बढ़ते हैं अगले अगले सवाल की ओर, अगले सवाल की ओर। अलोंग विद स्मृति ईरानी हैज लॉन्च द बुक स्वच्छ भारत क्रांति, एडिटेड बाय परमेश्वरम अय्यर। परमेश्वरम अय्यर द्वारा संपादित पुस्तक स्वच्छ भारत क्रांति का शुभारंभ स्मृति ईरानी के साथ किसने किसने किया है? आपके ऑप्शंस है प्रहलाद जोशी, रविशंकर प्रसाद, हरीश मरत कौर बादल, मुख्तार अब्बास नकवी या गजेंद्र सिंह शेखावत। व्हाट इज द राइट आंसर? ए बी सी डी या ई? जल्दी जवाब दीजिए जल्दी। तो 9 लोगों ने सही जवाब दिया है ई, गजेंद्र सिंह शेखावत। ई इज द राइट आंसर, 9 लोगों ने सिर्फ दिया है। देखते हैं कौन है वो लोग। ओके ओके ओके, श्वेता और हर्ष, आशु। ओके, चलिए हर्ष पहुंच गए हैं 8वें पोजीशन पे, वेरी गुड हर्ष। अननोमस अपना बरकरार करते हुए, आशु इज ऑन द सेकंड प्लेस एंड मुकेश ऑन द थर्ड। श्वेता, निखिल, लालजी, शहबाज आलम, हर्ष, संजीव कुमार और अरविंद्रा। अरविंद्रा जो भी है वो टॉप 10 में आ गई हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन अरविंद्रा, आप टॉप 10 में हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ, अगले सवाल की तरफ। दोस्त 275 लोग देख रहे हैं और लाइक सिर्फ 33 मिली है, ये नाइंसाफी। आप लोग प्लीज लाइक भी कीजिए। चलिए, 18, नेम द रोबोट डिजाइन बाय मुंबई डिवीजन ऑफ सेंट्रल रेलवे फॉर हेल्थ असिस्टेंस, स्वास्थ्य सहायता के लिए मध्य रेलवे के मुंबई मंडल द्वारा डिजाइन किए गए रोबोट का नाम बताइए क्या है? आपके ऑप्शंस है सहायिका, साथी, रक्षक, कवच या संजीवनी। व्हाट इज द राइट आंसर? जल्दी, टाइम जा रहा है। 10, जल्दी जल्दी, 10, 6, 5, जल्दी। फरहान खान, आपको यहां जवाब नहीं देना है, आपको मिंटी पर जाना होगा। चलिए, 11 लोगों ने सही जवाब दिया है, 11 लोगों ने सही जवाब दिया है जो कि है सी, रक्षक। वेरी गुड, देखते हैं कौन आगे बढ़े हैं अब। ओके, ओके, चलिए संजीव पहुंच गए हैं 7वें पोजीशन पे, विकास है 10वें पे और एनोनोमस अभी भी अपने पोजीशन पे, श्वेता है 5वें पे। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आ रहा है। नेशनल बैंक ऑफ विच कंट्री हैज सेलेक्टेड इंफोसिस फेनिकल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रांजैक्शन बैंकिंग बिजनेस, लेन देन बैंकिंग व्यवसाय के परिवर्तन के लिए किस देश ने, नेशनल बैंक ने इंफोसिस फेनिकल का चयन किया है? आपके ऑप्शन है बहरेन, कतर, यूनाइटेड स्टेट, ऑस्ट्रेलिया या ब्राजील। वॉट इज द राइट आंसर? जल्दी, ए बी सी डी या ई? 14, 13, 12, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, जल्दी जवाब दीजिए और लाइक भी करते जाइए। इतने सारे लोग देख रहे हैं और सिर्फ 36 लाइक है, मतलब इतना बुरा कर रही हूं मैं कि सिर्फ 36 लाइक मिले हैं मुझे। चलिए, तो सिर्फ 8 लोगों ने जवाब दिया है सही,
ए इज द राइट आंसर। बहरीन जो था वो सही आंसर था और सिर्फ 8 लोगों ने दिया है और 16 मेजोरिटी गई है 16 सी पर, यूनाइटेड स्टेट। आई डोंट नो व्हाई बहरीन। चलिए देखते हैं कौन है सही, किस पोजीशन पे कौन है और कौन आ गए। सौरभ, कॉन्ग्रेचुलेशन सौरभ, आप टॉप 10 में आ गए हैं, बहुत बहुत बधाइयां आपको। चलिए तो सौरभ पहुंच गए हैं 8वें पोजीशन पे और आशु इज ऑन द सेकंड प्लेस। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल, विच बैंक हैज रिसेंटली टाइड अप विथ 3 इंश्योरर टू प्रोवाइड कोरोना कवच पॉलिसी। कोरोना कवच नीतियों को प्रदान करने के लिए हाल ही में किस बैंक ने 3 बीमा कंपनियों के साथ समझौता किया है। आपके ऑप्शंस हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा कैनरा बैंक या बैंक ऑफ इंडिया। व्हाट इज द राइट आंसर, ए बी सी डी या ई, जल्दी जवाब दीजिए। फरहान खान, सौर्य यादव, परवीन चौहान, वंदना त्रिपाठी, आपको अपने गूगल पे जाना है, मिंटी www.minty.com टाइप करना है, रेफरल कोड डालना है 545295, यहाँ जवाब नहीं देना है आपको। चलिए 11 लोगों ने सही जवाब दिया है डी, केनरा बैंक। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन पहुंचे हैं। सौरभ बहुत ही तेजी से आगे बढ़ते हुए, सौरभ पहुंच गए हैं 7वें पोजीशन पे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की ओर। चलिए, ऑन विच डेट फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ क्रिएशन ऑफ यूटीएस एंड जेएनके लद्दाख हैज बीन सेलिब्रेटेड। किस तारीख को जम्मू कश्मीर लद्दाख संघ शासित प्रदेशों के निर्माण की पहली वर्षगांठ बनाई गई। 1 अगस्त, 2 अगस्त, 3 अगस्त, 4 अगस्त या 5 अगस्त। व्हाट इज द राइट आंसर, जल्दी जवाब दीजिए आप लोग, जल्दी से जवाब दीजिए। कब मनाया गया है फर्स्ट एनिवर्सरी, ए बी सी डी या ई। टाइम अप हो चुका है, जल्दी देखते हैं कौन पहुंचे। चलिए 19 लोगों ने सही जवाब दिया है, 19 लोगों ने सही जवाब दिया है, देखते हैं कौन है वो लोग, कोई नए लोग ऐड हुए हैं कि नहीं, टॉप 10 में आए हैं कि नहीं। अरविंद्रा आप फिर से आए हैं, अरविंद्रा टॉप 10 पे। सौरभ अपना अच्छा प्रदर्शन दिखाते हुए, विकास भी आ गए हैं और कोई आगे नहीं बढ़ा, सब वहीं पर है। चलिए देखते हैं अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आएगा। विच स्टेट फॉर्मर गवर्नर आर डी प्रधान हैज पास्ड अवे रिसेंटली। हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल आर डी प्रधान का निधन हो गया है। आपके ऑप्शन है ए आसाम, अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना, त्रिपुरा या मणिपुर। व्हाट इज द राइट आंसर, व्हाट इज द राइट आंसर। विख्यात शुक्ला, रजनीश, प्रीतम कुमार, आप लोग प्लीज मिंटी पर जुड़ जाइए अगर नहीं जुड़े हैं तो। फेसबुक पर जो भी लोग जुड़े हैं हमारे साथ वो मिंटी पर आकर जुड़ जाएं। अमित कश्यप, आप लोग मिंटी पर आकर जुड़ जाएं हमारे साथ। चलिए देखते हैं, ओ माय गॉड, सिर्फ सिर्फ 18 लोगों ने सही जवाब दिया है जो है बी इज द राइट आंसर, अरुणाचल प्रदेश। 18 लोगों ने सही जवाब दिया है, देखते हैं कौन है वो। संजीव आगे बढ़ते हुए वो पहुंच गए हैं 8वें पोजीशन पे। देखते हैं, बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की ओर। मैं थोड़ा फास्ट कर रही हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है और मैं थोड़ा सा 5 मिनट आप लोग का एक्स्ट्रा लूंगी। चलिए
अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आ रहा है। शिवाजी राव पाटिल निलांगेकर हैज पास्ड अवे रिसेंटली। ही वॉज द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट। शिवाजी राव पाटिल निलांगेकर का हाल ही में निधन हो गया है। वो किस राज्य से राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे। आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा। वॉट इज द राइट आंसर। शिवाजी राव पाटिल जो कि उनका हाल ही में देहांत हो गया है, वो किस राज्य के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे। तो 22 लोगों ने सही जवाब दिया है, 22 लोगों ने सही जवाब दिया है। देखते हैं कौन आगे बढ़ा है या ऐड हुआ है कि नहीं हमारे साथ। चलिए पोजीशन वही है, पॉइंट्स ऐड हुए हैं, टॉप 10 में आप लोग वही बरकरार हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हु इज द फॉर्मर लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू और कश्मीर के भूतपूर्व उपराज्यपाल कौन थे। आर के माथुर, अनिल बिजेल, देवेंद्र कुमार जोशी या गिरीश चंद्र मुर्मू या वीपी सिंह बदनोर। जल्दी रजनी, रंजीत चौधरी, सुमन कौशिक, आप लोग को मिंटी पर जाना होगा। मिंटी पर जाइए, www.minty.com, यूज द रेफरल कोड 545295 एंड यू कैन ज्वाइन अस ऑन मिंटी। तो मिंटी पर जवाब देना है आप लोगों को। 18 लोगों ने सही जवाब दिया है, 18 लोगों ने डी दिया है, गिरीश चंद्र मुर्मू। देखते हैं सही कौन किस पोजीशन पे है, नए लोग ऐड हुए हैं कि नहीं। चलिए शहबाज आलम शायद ऊपर जाएंगे, नहीं वो ऊपर नहीं गए। और संजीव ऊपर बढ़ते हुए, लाल जी पहुंच गए हैं तीसरे पोजीशन पे, लाला जी पहुंच गए तीसरे पोजीशन पे। चलिए यहाँ पर टॉप 10 शो होता है तो आप लोग को फास्टेस्ट फिंगर्स फर्स्ट, मैंने बोला था आप लोगों को फास्टेस्ट फिंगर्स फर्स्ट आपको करना है। चलिए अगला सवाल। विच स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज लॉन्च ए सोशल सिक्योरिटी स्कीम फॉर तेंदू लीव्स कलेक्टर्स। तेंदू पत्ता संग्राहकों के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू की है। आपके ऑप्शंस हैं वेस्ट बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ या कर्नाटका। व्हाट इज द राइट आंसर, जल्दी जवाब दीजिए, टाइम अप हो रहा है, जल्दी 10, 9, जल्दी जितने भी लोग हैं जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। चलिए देखते हैं, ओके तो 22 लोगों ने सही जवाब दिया है और डी दिया है, छत्तीसगढ़ इज द राइट आंसर। देखते हैं कौन किस पोजीशन पे है और कोई नया ऐड हुआ है कि नहीं, टॉप 10 में कोई आए हैं कि नहीं हमारे साथ। चलिए ओके, सौरभ जो है वो अपना स्कोर बढ़ाते हुए एनोनोमस अभी भी पहले पोजीशन पे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे। हु हैज टेकन चार्ज एज अ न्यू कॉम्पेट्रोलर एंड ऑडिटोरियल जनरल ऑफ इंडिया CAG, नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है। राजीव महर्षि, अरविंद मरियम, गिरीश
कृष्णचंद मुर्मू, राजीव गौबा या सुनील अरोड़ा? सो राजीव महर्षि, अरविंद मायाराम या कृष्णचंद्र मुर्मू या राजीव गौबा या सुनील अरोड़ा? जल्दी। सो 21 लोगों ने सही जवाब दिया है, 21 लोगों ने सही जवाब दिया है। देखते हैं कोई आगे बढ़ा है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की ओर। सिर्फ चार सवाल और हैं। तो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? जम्मू और कश्मीर के नए उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डीके जोशी, प्रफुल्ल पटेल, अनिल बिजेल, राधा कृष्ण माथुर या मनोज सिन्हा? व्हाट इज द राइट आंसर? डीके जोशी, प्रफुल्ल पटेल, अनिल बिजेल, राधा कृष्ण माथुर, मनोज सिन्हा? ए बी सी डी या ई? जल्दी जवाब दीजिए आप लोग। सहज सिन्हा सिन्हा, हाय, हाउ आर यू? टाइम अप। तो 19 लोगों ने सही जवाब दिया है, 19 लोगों ने दिया है ई, मनोज सिन्हा। देखते हैं कौन है। ओके, मोइन, आई डोंट नो व्हाट इज रिटन मोइन, इफ आई एम टेकिंग योर रॉन्ग, प्रोनाउंसिंग योर नेम रॉन्ग, सो पार्डन मी फॉर दैट, बट यू आर ऑन टॉप 10, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट। एंड एनोनोमस अभी भी पहले पोजिशन पे। आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। Who among the following has got 18-month extension as SEBI chairman? निम्नलिखित में से किसे SEBI अध्यक्ष के रूप में 18 महीने का विस्तार मिला है? आपके ऑप्शंस हैं अजय त्यागी, मनोज अहूजा, नीरज व्यास, वी विद्यावती, सुरेश एन पटेल। व्हाट इज द राइट आंसर? जल्दी जवाब दीजिए, फटाफट आपके जवाब आने चाहिए। और 307 लोग देख रहे हैं हमें और सिर्फ 44 लाइक है। कितनी नाइंसाफी है। आप लोग लाइक करो यार, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, हमारा ये मोटिवेशन, क्या बोलते हैं उसे, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। और आप लोग लाइक नहीं करोगे तो कैसे होगा। चलिए, तो 23 लोगों ने सही जवाब दिया है, 23 लोगों ने दिया है ए, अजय त्यागी। देखते हैं कोई नया ऐड हुआ है या नहीं टॉप 10 में। तो चलिए, विकास है, आप पहुंच गए हैं 8 पे, सौरभ जो है, सौरभ विकास 7 पे, सौरभ 8 पे। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल 29वां सवाल। चलिए आपके स्क्रीन पे, विच टेलीकॉम कंपनी हैज इंक्ड मल्टी ईयर स्ट्रेटेजिक पैक्ट विद अमेजॉन फॉर AWS सॉल्यूशन? किस दूर संचार कंपनी ने AWS समाधान के लिए अमेजॉन के साथ बहुवार्षिक रणनीतिक समझौता किया है? वोडाफोन, BSNL, एयरटेल, जियो या आइडिया? व्हाट इज द राइट आंसर? जल्दी जवाब दीजिए, जल्दी जवाब, ए बी सी डी या ई? वोडाफोन, BSNL, एयरटेल, जियो या आइडिया? फटाफट जवाब दीजिए। आई होप आप लोगों को मिंटी पे बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा होगा। तो टाइम अप। ओके, तो 11 लोगों ने सही जवाब दिया है, 11 लोगों ने सही जवाब दिया है। देखते हैं कौन है वो लोग। लाला जी, मुकेश, सौरभ, शहबाज आलम, उन 11 में से ये लोग भी थे। ओके, पोजीशन वही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने आखिरी सवाल की ओर, आखिरी सवाल की ओर, जो कि है हमारा 30वां सवाल। आखिरी सवाल, व्हाट इज द रैंक ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज इन
फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020, फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 में रिलायंस इंडस्ट्री की रैंक क्या है? 2, 4, 5, 6 या 9? व्हाट इज द राइट आंसर? जल्दी जवाब दीजिए, जल्दी जवाब दीजिए। 2, 4, 6 या 9? आनंद, आपको यहाँ जवाब नहीं देना है, आपको जाना है, मिंटी पर जाना था, लेकिन अब आखिरी सवाल हो गया, खत्म हो गया। चलिए टाइम अप, देखते हैं कौन है। तो 17 लोगों ने सही जवाब दिया है ऑप्शन ए, दूसरे नंबर पर। चलिए जीत चुके हैं 21,259 पॉइंट से। एनोनॉमस, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। सो एनोनॉमस जो है वो विनर है हमारे इस क्विज के। कॉन्ग्रेचुलेशन एनोनॉमस, आप अपना नाम जरूर बता के जाए आप कौन है। ओके, सो यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, आप कहीं भी लगाए शेयर करें। और ओके, सो तो आई होप आप लोगों को बहुत ही ज्यादा मजा आया होगा। और अगली बार आप लोग जब हमारी क्विज होगी तो वैसे ही होगी, और इस बार हम लोग कोशिश करेंगे कि कुछ हल्के सवाल लाए जाए तो आप लोग को भी थोड़ी आसानी हो। और आप लोग ज्वाइन कीजिए और देखिए कि आपकी जनरल नॉलेज कितनी तेज है। तो ये आपको मिंटी पे जाना होगा, www.minty.com, कोड डालना होगा, और हमेशा कोड चेंज होगा, डेली कोड चेंज होंगे। हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी जिस दिन भी, फ्राइडे को, कोड चेंज होता रहेगा। आज ये है तो कल कुछ और होगा। सो आई होप आप लोग को मजा आया होगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। प्लीज लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूले। और अगर मेरा क्विज कराने का तरीका सही लगा तो थैंक यू सो मच। फरहान बोल रहे हैं कि उनका 15 रैंक आया है। ओके फरहान, कॉन्ग्रेचुलेशन। जो लोग टॉप 10 में नहीं भी आए हैं, आप अपने रैंक के हिसाब से देख लीजिए कि आप इतने लोगों में उतने रैंक पे हैं, तो आप लोग को थोड़ी और मेहनत करनी होगी और आगे बढ़ना होगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, हैव ए गुड डे।